नगर निगम में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का 74वां जन्मदिवस सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान केक काटकर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। वहीं सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जब सपा की सरकार थी पूरे जिले का भरपूर विकास कराया था। उनके द्वारा कराए गए कार्यों से सभी जनता भली भांति परिचित है। उनका 74वां जन्मदिवस है। पिछली बार धूमधाम से मनाया गया था, परंतु अभी कोरोना काल के चलते नगर निगम में मनाया गया है। सभी उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। माननीय सांसद जी हैं, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का आज जन्मदिन है और पिछली बार धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन इस बार कोरोना और वायरस और चाइना की बीमारी फैलाई हुई है, इसमें हम सब लोग बहुत सादगी से माननीय प्रोफेसर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आज नगर निगम के सभी पार्षदगण, पार्षद दल के नेता वगैरह सब एकत्रित हैं। मैं इनको सभी इस जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस नगर निगम में आज जो मनाया गया, माननीय प्रोफेसर हमारी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और पूरी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा काम किया है। हम फिरोजाबाद पर बहुत विशेष कृपा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ फिरोजाबाद में जितना विकास का काम हुआ, चाहे नगर निगम का हुआ हो, जेड़ा झाल की परियोजना का हुआ हो, तहसील सरसागंज का हुआ हो, एकागी नगर पंचायत का हुआ हो, यहाँ जितने विकास लोहिया ग्राम योजना हुआ हो, दिनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना हुआ, समाजवादी पेंशन, तो इन सब में पूरी तरह से जो श्रेय जाता है माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी को जाता है। माननीय प्रोफेसर साहब ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, उनको अवगत करा के सारे प्रोजेक्ट सारे प्रस्ताव पास कराए। तो हम लोग पूरी तरह से विकास के क्षेत्र में रणी हैं माननीय प्रोफेसर साहब के, उनकी असीम अनुकंपा कृपा रही है। माननीय सांसद अक्षय यादव जी उनको हर समय प्रेरित करते रहते थे कि ये विकास का काम होना, तो प्रोफेसर साहब ने जिले के विकास में चार चांद लगाने का काम किया। ये जैसे जिस तरीके से आज इसी उपलक्ष्य में आप फिरोजाबाद की जनता को कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, ये बहुत गंभीर बीमारी है और ये गंभीर बीमारी नौजवानों को नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत अच्छी होती है और वैसे भी हमारी उत्तर प्रदेश में क्या भारत पर पूरी कृपा है, भगवान की मानेंगे हम तो। यहाँ जो चाइना अन्य देशों में प्रकोप फैला रहा है, जिस गति से वहाँ के मरीज निकल रहे हैं और जिस गति से वो डेथ ऑफ रेट है और बीमार होने की रेट है, यहाँ बहुत कम है उसकी तुलना में। यहाँ निकल रहे हैं लेकिन ज़्यादातर सही भी हो रहे हैं। इसमें मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, हालांकि बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लोग इसके लिए मेंटली कहीं तैयार नहीं थे, लोगों को पता नहीं था ये कैसी बीमारी क्या बीमारी है, और सरकार भी किसी तरह से कहीं अनजान थी इस मामले में। धीमे धीमे इसने पैर बहुत फैला लिए हैं, इसमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने माँ बाप का बच्चों का विशेष ध्यान रखें, गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं और बच्चों को थोड़ा दूरी बनाए रखें, बड़े बूढ़ों की दूरी बनाए रखें, क्योंकि उन पर जल्दी असर पड़ता है। इसीलिए अत्यंत इससे बचने की और बचाने की जरूरत है। एक दूसरे में आदरणीय प्रोफेसर साहब का जन्मदिन पार्षद ने मनाया, जिसमें यहाँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप यादव जी एमएलसी साहब रहे, पार्षदों में यहाँ मोहम्मद इरफान, जाहिद परवेज, शाहिद अंसारी जी, राजेश यादव, रिजवान भाई कौशल, किशोर रॉकी व्यास, हीर सिंह संगवा, हरिओम गुप्ता चटनी, सुबोध दिवाकर आदि पार्षदों ने यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ और सादा तरीके से मनाया जन्मदिन।